इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्टैटिक वर्ड का मतलब रेस्ट। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे कि लाइट को स्टडी करने को फिजिक्स में बोलते हैं ऑप्टिक्स, जैसे हीट को स्टडी करने को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मोशन को स्टडी करने को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, फोर्सेस को स्टडी को बोलते हैं मैकेनिक्स, ऐसे ही चार्ज की स्टडी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। विद अ कंडीशन, चार्ज मूव भी कर सकता है, चार्ज रेस्ट पे भी रह सकता है। इस पूरे यूनिट में, क्योंकि नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरे यूनिट में चार्ज किस पे रहेगा, एट रेस्ट, क्योंकि स्टैटिक वर्ड है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है चार्जेस की स्टडी में, चार्ज की स्टडी क्या मतलब क्या हुआ कि दो चार्जेस आपस में कितनी फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, कितना फील्ड लगाते हैं, कितना पोटेंशियल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चार्ज रिलेटेड है, तो उस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। लेकिन ये अजम्पशन है कि चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज किस पे रहेगा, एट रेस्ट। अब चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये सबको मालूम है, ये नेचर का लॉ है। कोई कहता है सर ऐसे क्यों होता है, भाई नेचर का लॉ है, जो ऑपोजिट्स हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन चार्ज आया कैसे एक बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। अगर आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है, और आपने उसके चार इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना, चार इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और दूसरी बॉडी में डाल दिए, तो जिसके इलेक्ट्रॉन गायब हो गए निकाल लिए, उसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जिस में डाल दिए उसके ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक्सेस बोलते हैं उसे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज प्रोड्यूस करना कुछ नहीं है, किसी में डेफिशिएंसी कर दो, किसी को फालतू इलेक्ट्रॉन दे दो, तो या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है नंबर वन। नंबर टू, इसी के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर हम स्टार्ट करें, स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दो किस्म के चार्जेस हैं, ओरिजिन ऑफ चार्जेस, चार्ज का जो ओरिजिन है मैंने बता दिया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स फालतू आए हुए हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं तो यहाँ से डेफिशिएंसी हुई है, कहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकाल के कि यहाँ से निकाल के किसी और बॉडी को दे दिए, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है, चार्ज प्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप किसी भी दो बॉडी को लें, या रादर ऐसा बोलना चाहिए, आप एक सिल्क का पीस लें, सिल्क का कपड़ा लें और एक ग्लास की रॉड लें, आप इन्हें रब करें, ठीक, आप रब करें। जब आप रब करते हैं तो आप इन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी से इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस सिल्क में चले जाते हैं, आपकी एनर्जी लेके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिव चार्ज है, जिसमें से गए वो पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी मैंने घर जाके ना प्रैक्टिस की थी, आपने कहा, मैंने कहा प्रैक्टिकली कर लेता हूँ मैं, क्या प्रैक्टिस, दो पेंसिल, दो पेन ले ली, रब किया, चार्ज तो आया ही नहीं। देखो ये हमेशा मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है, उनकी नेचर होनी चाहिए, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, अगर टाइटली बाउंड है तो वो निकाल नहीं पाएगा। तो किन्हीं भी दो बॉडीज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, इस रूल के लिए खास किस्म का कॉम्बिनेशन ही चाहिए, जैसे ये रॉड है ग्लास की और ये सिल्क का कपड़ा है, इसमें चलेगा, इसमें भी चलेगा। अगर आप एक एबेनॉइड की बनी हुई रॉड लें और एक वूल लें, अगर आप इन्हें रब करें, अब उल्टा काम हो जाएगा, इस कपड़े के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें चले जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया था। लेकिन फिर मैं कहूंगा, अब कोई कहेगा सर उल्टा क्यों नहीं हुआ, इसमें तो उल्टा हो गया था, इनकी नेचर है, तो इसकी नेचर है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं और जब ये एबेनॉइड रॉड को देखते हैं उसमें जाके घुस जाते हैं, तो हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लेकिन ये एग्जाम्पल है कि अगर आप रब करने से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकें, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ बॉडीज में एप्लीकेबल है, तो ये पहली कैटेगरी है जिससे कि चार्ज को पैदा किया जा सकता है। दूसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
कंडक्शन में आपको कुछ नहीं करना, दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आना है, जोड़ देना है, चार्ज अपने आप पैदा हो जाएगा, चार्ज अपने आप आ जाएगा। आपको अपने आप कैसे आएगा, फिर ये फ्रिक्शन में फिर उसको रगड़ा क्यों था, इसमें रगड़ना नहीं है, इसमें ऐसे रख दो। अब देखो इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। आपके पास मान लो एक मेटल का ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है ना, कंडक्टर है, न्यूट्रल है। कंडक्टर वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है। तो इसके पास ये आराम से बैठा था, ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बात आराम कर रहा है। लेकिन आपने सपोज करो एक ग्लास रॉड लेके आया जिसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था, कहाँ से आया मालूम नहीं, पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, आप दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए, कुछ नहीं किया, आपने जोड़ दिया। जब आपने जोड़ा तो इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना शुरू कर दिया। तो डेफिशिएंसी जब पूरी हुई तो इसके ऊपर थोड़ा कम पॉजिटिव आ गया, क्योंकि डेफिशिएंसी पूरी होगी, कम डेफिशिएंट हो गया, तो ये पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी पूरी करते करते ये खुद डेफिशिएंट हो गया, तो खुद डेफिशिएंट होने का मतलब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने बोला कि देखो जी पॉजिटिव चार्ज के रॉड ने इसको टच किया, दोनों पॉजिटिव हो गए। भाई दोनों पॉजिटिव नहीं हुए, मान लो इसके ऊपर बहुत उधारी है, पॉजिटिव कौन था, बहुत डेफिशिएंट है, इसने इसको कॉन्टैक्ट में लेके आया, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कि चल तू पकड़ मेरे इलेक्ट्रॉन, ये खुद डेफिशिएंट हो गया उस चक्कर में। तो दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक हो गया यहाँ तक। तो कोई भी बॉडी को कॉन्टैक्ट में लेके आए, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपने आप चार्ज हो जाए, वो कंडक्शन है। लेकिन जो तीसरा तरीका है उसे बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड कॉमनली यूज फिजिक्स में यूज होता है, जिसके अंदर हम इंडक्शन या इंड्यूस्ड चार्ज भी बोलते हैं। देखो ये इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज पैदा हो जाए हम वर्ड इंड्यूस्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपने ये टेंथ में भी किया हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, पैदा होना मतलब इंड्यूस होना। तो ऐसी अगर आप दो बॉडीज लें और उन्हें बिल्कुल भी टच ना करें, कॉन्टैक्ट में ना लेके आए, लेकिन फिर भी दूसरी बॉडी पे चार्ज पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं इंड्यूस हो गया चार्ज या चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है सपोज करें आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के आगे आप एक रॉड ले आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कहां से लेके आए पॉजिटिव, वो आप वो हमें लेना देना नहीं है, ये न्यूट्रल है और ये कंडक्टर है। मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा कंडक्टर। इस पूरे यूनिट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटीरियल एक मान लो एक ऐसा मटीरियल है जिसमें चार्ज आ तो सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते नॉन कंडक्टर में। तो इसलिए मैं कंडक्टर वर्ड यूज करूंगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुआ क्या, जब आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहां से मूव करके अट्रैक्ट होके इस तरफ आ गए, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिए, अब जब इलेक्ट्रॉन इस जगह के यहां पे आएंगे तो इसकी जगह क्या डेवलप हो गई, डेफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नेगेटिव, और पीछे वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन आएगा ये बॉडी का चार्ज क्या है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, न्यूट्रल, क्या मार्क करेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल ओवरऑल चार्ज एडिटिव है। जब पूरी बॉडी का नेट चार्ज लेंगे तो जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, हाफ हाफ तो ठीक है पर ओवरऑल चार्ज ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने बाहर नहीं ट्रांसफर किए, रीडिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अगर मैं दो मिनट रॉड को हटा दूं तो इलेक्ट्रॉन जाके अपने डेफिशिएंसी पूरी कर देंगे और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अच्छा मैथ्स की हेल्प से ले लेते हैं, मान लो इस पोर्शन पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पोर्शन पे प्लस क्यू चार्ज है, ऐड करके देखो नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो ही मार्क करना है आपने, ठीक, टेम्पररी है जो हुआ, टेम्पररी हुआ। अगर मैं इस रॉड को यहां से ले जाऊं वापस तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिशिएंसी फिर से पूरा करेंगे और ये वापस क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गई। पर मैं ये चाहता हूं कि परमानेंटली चार्ज रहे इसके ऊपर, तो मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आया, इसने टेम्पररी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कुछ नहीं हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ गए। अब मैंने क्या किया,
इस पोर्शन को अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया। इस साइन को बोलते हैं अर्थिंग का साइन है, अर्थ, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड या अर्थ एक ही बात है। हमारे घरों में जब घर बनते हैं तो आपने देखा होगा कि आप, या आपने नोट तो नहीं किया होगा, लेकिन आपने ये तो नोट किया होगा कि घरों के अंदर वायरिंग है उसमें एक तीन तारें होती हैं, उनमें से एक तार हरे रंग की तार होती है, अर्थिंग। टेंथ के अंदर भी वो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट तो होता ही है उसमें, तो हरे रंग की तार है, अर्थिंग है। अर्थिंग इसलिए है कि घर में अगर किसी भी मेटालिक बॉडी पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो अर्थ की तार उसको ग्राउंड के अंदर कनेक्टेड होती है। वो जब घर बनता है तो बहुत नीचे खड्डा करते हैं, उसमें डालते हैं ताकि एक्सेस चार्ज पूरे घर का उसमें चला जाए। कई बार फ्रिज की बॉडीज जो हैं या कूलर जो हैं मेटल के बने हुए हैं वो शॉक मारना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि क्योंकि वो इसलिए मारते हैं, इमेजिन करो कि अंदर तारे तारे हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, मेटल की बॉडी चार्ज इंड्यूस कर जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देगा इंडक्शन बिना टच किए, तो आपकी वो जो मेटल की बॉडी है उसको वो आपको फील होगा उसमें चार्ज है। तो उस मेटल की बॉडी की सरफेस को तार से अर्थ में जोड़ देते हैं, वो सारा चार्ज हम बोलते हैं अर्थ में चला जाता है, तो आपको शॉक नहीं लगता। तो अर्थिंग घर के अंदर ज़रूरी है, एक्सेस चार्ज को वो अर्थ में डाल देती है। अब अर्थ का कॉन्सेप्ट समझो, अर्थ के अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कि अभी अर्थ न्यूट्रल है, मैं टच करूंगा अर्थ से मेरे को शॉक नहीं लगेगा, लेकिन अर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट है, इतना ज़्यादा है कि आप पूरी दुनिया का चार्ज भी इसमें डाल दो तो भी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं, इतना चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके पास इनफाइनाइट। तो इमेजिन करो कि जब अर्थ के साथ इसको कनेक्ट किया गया, वायर में पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, वायर में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, अर्थ के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ ने वायर से भेजे और इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, तो फटाफट गए इसकी डेफिशिएंसी पूरा कर गए, इसको कुछ ना कर पाए क्योंकि सामने रॉड थी, रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रह गया और ये डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज तो हट गया क्योंकि अर्थ ने इलेक्ट्रॉन भेज के उस डेफिशिएंसी को पूरा करवा दिया। अब क्या हुआ, आपने इस अर्थ को हटा दिया, हटा दो आप इस रॉड को भी यहां से भगा दो, ये लो। अब बेचारा नेगेटिव चार्ज करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता, माइनस ने माइनस को रिपेल किया और रिपेल करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे इस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस बॉडी पे क्या आ गया, परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो, मैंने इस बॉडी को टच नहीं किया, रॉड के साथ टच नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसा फिनोमेना किया कि इसके ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ठीक। नॉर्मली मेरे को नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं ताकि एक्सेस हो जाए, लेकिन इसमें मैंने टच नहीं किया रॉड के साथ, तो चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो आप फिर से एक बार चेक करें सेम फिनोमेना, ये आपके पास एक कंडक्टर था, ये आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड थी। जब आप नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आए तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिला, इलेक्ट्रॉन राइट पे चले गए और यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई, स्टेज नंबर वन। फिर आपने क्या किया, अगर रॉड को हटा लें तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, आपने राइट वाले पोर्शन को अर्थ कर दिया, इलेक्ट्रॉन सारे निकल के, इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू वायर, इलेक्ट्रॉन निकले अर्थ में चले गए, पॉजिटिव चार्ज का कुछ हो नहीं पाया, नेगेटिव पॉजिटिव सामने थे, अर्थ को हटा दिया, रॉड को भगा दिया, अब ये परमानेंटली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो बिना टच किए चार्ज प्रोड्यूस करना इज नोन एज इंडक्शन। तो ये स्टेप क्लियर है सबको यहाँ तक? तो पहला बाय फ्रिक्शन, चार्ज को प्रोड्यूस करने का तरीका बाय फ्रिक्शन, दूसरा तरीका बाय कंडक्शन टच करना, और तीसरा तरीका इंडक्शन। ये तरीके हैं जिससे कि चार्ज को पैदा कर सकते हैं। इंडक्शन में चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट ही प्रोड्यूस होता है, तो अगर ये क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू ही होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट प्रोड्यूस होगा, ठीक। इसके बारे में डिस्कशन मैथमेटिकल अभी आने वाले टाइम में होगी। तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि चार्जेस हैं क्या, चार्जेस कहाँ से आया, तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट है। इसके बाद जो अब पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।